इस ट्यूटोरियल में मैं कैसे नॉइस फ्री ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं इस बारे में बात करेंगे। मतलब है कि आप जब ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बाद में रिकॉर्ड होने के बाद कोई भी नॉइस आपको रिड्यूस नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली नॉइस फ्री ऑडियो रिकॉर्ड होंगे। तो मैं ये जो प्रोसेस दिखाऊंगा ये एडोबी ऑडिशंस के थ्रू। सो यहाँ से एडोबी ऑडिशंस जो है, यहाँ से फाइल न्यू एंड मैं एक न्यू यहाँ से मल्टी ट्रैक सेशंस लूँगा। इसका नाम मैं ट्यूटोरियल मैं ये रखता हूँ ट्यूटोरियल के लिए। सो ट्यूटोरियल ओके करना है। ये मल्टी ट्रैक जो है, ट्रैक वन ट्रैक टू करके मल्टी ट्रैक का ये 1 2 3 है। मैं सिर्फ फास्ट वाला जो ट्रैक है इसे यूज करूँगा। इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नॉइस रिडक्शन ये ऑप्शन से एडाप्टिव नॉइस रिडक्शन जो ऑप्शन है इसे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ से हाई क्वालिटी मोड इसे ऑन करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ से डी नॉइस करूँगा। सो नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से डी नॉइस, और एक आपका वॉल्यूम अगर कम हो तो इसलिए मैं और एक यूज करूँगा यहाँ से एम्पलीट्यूड कॉम्प्रेशन। यहाँ से ये जो ऑप्शन है स्पीच वॉल्यूम लावलियर, सो इसे मैं ऑन करूँगा। इस ये दोनों को ऑन कर देता हूँ कॉम्प्रेशन अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इसे ऑफ। नेक्स्ट यहाँ से 3 एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस एंड डी नॉइस, ये है ये ऑप्शन से डी नॉइस एंड एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस। इसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड ऑप्शंस ऑन करना है। यहाँ से रेड कलर की जो बॉटम है ये ऑन करने से आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। सो ये ऑडियो को आप देख रहे हैं इसकी जो ग्राफ, यहाँ से इसकी जो ग्राफ है ये एकदम नॉइस फ्री, यहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं है। आपके बाद में कोई भी नॉइस रिमूव या रिड्यूस नहीं करना है, बस इसे आप प्ले करके भी देख सकते हैं यहाँ इसमें कुछ भी नॉइस नहीं है। सो इसे मैं ऑन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी जो ग्राफ, यहाँ से इसकी जो ग्राफ है ये एकदम नॉइस फ्री। तो इस तरह से आप इस ऑडियो को आप आफ्टर प्रीमियर प्रो में भी ले सकते हैं। यहाँ से फाइल से एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट टू एडोब प्रीमियर। तो इस तरह से ये ऑडियो को प्रीमियर में यूज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी ट्यूटोरियल। मेरे चैनल को अगर इस वीडियो में आपको कुछ लाभ हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन भी दबा दीजिए।